दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं, मौत समा मरने का किसको खौफ। यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नीचे कैसा चंचल उड़ा है, ये अंदर ऐसा आप लोग है। चंचल उड़ा प्रेम मालो, चंचल उड़ा कैसा है, ये चंचल उड़ा है। नीचे देखो चंचल उड़ा, ये आप है। इंशाल्लाह ताला आज से आजाद हो गए आप लोग, आजाद। उन्होंने परिंदों को उड़ाया, वो ये बताना चाहते थे कि मलक पेट में और पूरे हैदराबाद के अंदर जो ये जहनी गुलामी है, इससे हमें आजादी चाहिए। लेकिन अकबर भाई, मैं इस इलाके के बारे में जानता हूं, ये चंचल घोड़े का मजबूत इलाका है, ये किसी के बाप से नहीं डरते, ये किसी के गुलाम नहीं है, ये किसी से नहीं डरते हो। किसी से वैसी से डरते हो, वैसी की हिम्मत भी नहीं है कि यहां पे आके खड़े आपके सामने बात कर सके। मैं सलाम करता हूं चंचल घोड़ा को। यहां के किस्से सुनते थे कि यहां पर सबसे मजबूत लोग रहते हैं। शेख अकबर यहां से चुनाव जीतेगा तो सबसे ज्यादा वोट बनने वाला इलाका भी चंचल। ये कोशिश करी गई कि चंचल घोड़ों का नाम कॉरपोरेशन में ना रहे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जिनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा होता है उसे कोई चाकर भी नहीं हटा सकता। ज्यादा वक्त नहीं है, बोलना बहुत है मुझे, कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह आगे आपके सामने बोलूंगा जरूर। आज जो देश की हालत है, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, जो आवाज 2023 में आने वाले 30 तारीख को इस सरजमीन से उठेगी, वही 2024 का निर्णय होगा। अगर यहां पर आपने बीआरएस, भाजपा की दो भी टीम बीआरएस और एमआईएम को यहां से शिकस्त दी, तो 2024 में नरेंद्र मोदी को शिकस्त मिलेगी वहां पर। आप चाहते हो मोदी को हराना, चाहते हो? हाथ उठा के बताओ चाहते हो। अगर मोदी को हराना चाहते हो तो यहां पर जो मोदी की बी टीम है बीआरएस और एमआईएम, उनको भी आपको हराना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे तकरीरें कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, ट्विटर पे फेसबुक पे मुझे एमआईएम की तरफ से धमकियां आ रही हैं, कोई मुझे गालियां दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों, क्या वजह है उसकी? अली मेहंदी की वजह नहीं है, आप सब बुजुर्गों की, मेरे भाइयों की, मेरी मां बहनों की दुआएं मेरे साथ हैं। कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हमें गालियां पड़ रही है, पढ़ने दो। अभी हम लोग अकबर भाई और हम आ रहे थे, अभी जिस पीछे इलाके के अंदर गए वहां कुछ लोगों ने जाने से रोका। होने वाला है, हमारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, उनकी तरह नहीं है जो ड्रामे करते हैं, पुलिस से कहते हैं चले जाओ, हम उन लोगों की तरह नहीं है जो झूठ बोलते हैं, हम वो नहीं है। ध्यान रखो दारुसलाम, अब तुम्हारा ड्रामा चलने वाला नहीं है, तुम्हारा झूठ चलने वाला नहीं है। आप सबकी तरफ से, चंचल घोड़ा की तरफ से दारुसलाम को आखिरी में ये बात कहना चाहता हूं, सुन लो, दारुसलाम में बैठे हुए हम लोगों के नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। कर ली बगावत, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं, हम परवाने हैं, मौत समा मरने का किसको खौफ। यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए, मैं फिर आऊंगा आपके बीच में, लेकिन मेरे भाई को वोट दोगे?
माशाल्लाह हमारे अली भाई बात करने पर आते हैं, दूसरों को बात करने का मौका नहीं मिलता, उनका तकलीर हो जाता रहता, कोई वो भी टक्कर दे सकता, वो एक ही बंदा है मेरा अली भाई। मैं बोला मैं तकलीर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक बात कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपका दिल के बात को मैं समझ सकता हूँ, आपका दिल के बात मैं बोल सकता हूँ। बात करेंगे नाश पक्का राइट। मैं आज भगवान दादा कर रहा था, मैं ऑब्जर्वेशन बोलता हूँ, चंचलगढ़ में क्या हुआ, फर्स्ट जैसा हम गए रोग ऑब्वियसली इन लोगों के साथ में रोग आ गया, नहीं आना इधर अंदर नहीं आना। माशाल्लाह चंचलगुड़ा के हमारे कार्यकर्ता है, माशाल्लाह माशाल्लाह किसे डरने वाले नहीं। ये जो है ना मेरा नहीं है भाई, हमारे चंचलगुड़े भाइयों का है दम। ओके अपने पास दम है, डरने वाले नहीं हम, आज दिखा दिया अपना दम, अपना बता दिया अपना दम क्या हो सकता, ऐसा लो बगैर पुलिस का उन लोगों को दबाते अंदर चले गए हमारे भाया, उन लोगों को सलाम करता हूँ। उसके बाद से पुलिस वाले आए, पहले कोई पुलिस नहीं था, चलो बगैर पुलिस का भी हम दिल्ली में घुस सकते बोल के हमारे बंदे प्रूव करके प्रूव कर दिए, सबको एक बार सलाम तालियों के साथ। और हम आए क्यों, हम आए क्या चल रहा मलकपेट पे, क्या चल रहा चंचलगुड़ा में, मैं बात बोलता हूं आपको। एक फैन एक पेवा, उनको एक बेटी है, शादी हो गया दामाद, यहां पे उनका दरक, शादी कर लिया, नौकरी नहीं है कुछ भी नहीं है, लेकिन डेली दारू चलता उनको, डेली पीना आना, उनका बेबी को मारना। अरे माँ का दिल, अरे बेटी के शादी करने का किसी माँ का दिल है ऐसा, लेकिन बंदा आ रहा पी रहा मार रहा। और उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गए, पुलिस वाले बोले कहते अम्मा इन्हों पी के मारा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं, पी के मारे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे केसीआर साहब भी पी के मारते, पी के आते तो कुछ नहीं कर सकते। अरे क्या बात है, केसीआर साहब तो डेली पी पेट मार रहे थे, तो पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा कुछ नहीं तो बोलो। और एक चीज बोले थे, एक बार डेली एक बार पीता, दो दिन में एक बार गंजा भी मारता, और इसका क्या है, पीना गंजा कामन हमा चंचलगुड़ा में, इसके अलावा कुछ और तो कुछ है क्या बोलो। अरे उन्होंने शादी करा तो बच्चे है, वो वीडियो बताता हूँ मैं, चलो पिक्चर लाइव है, बुजुर्ग नहीं बोल रहा को, उनके बातों में आप सुन सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मलकपेट में क्या हो रहा, चंचलगुड़ा में क्या हो रहा, बोलने की जरूरत नहीं मेरे को, अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा, और एक चल रहा है भाई, और एक जगह बच्चों का एडुकेशन तालीम, मेरा इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऑलमोस्ट 350 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए गोल्ड सिटी में, लास्ट 15 साल में जो ग्रोथ हुआ बढ़ाव हुआ डेवलपमेंट जो बोल रहे हो ना, 350 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, नया नहीं खुले, समझ रहे ना, जो स्कूल है वो स्कूल में और एक चीज हो रहा, टीचर हम बराबर नहीं है, और केसीआर साहब बोल रहे चावल अच्छा चावल मिलता है, बोल रहे बोले नहीं बोल रहे, लेकिन वहां पे मिल रहा मोटा चावल, बराबर चावल नहीं मिल रहा, और एक माँ हमारे फैन बोल रहे थे, तो ये चीज गवर्नमेंट की तरफ से बेसिक जो करने का चीज है नहीं हो रहे, उसलिए तो बदलाव आ रहा तेलंगाना में, कांग्रेस सरकार इसीलिए आना, कांग्रेस की सरकार गरीबों की सरकार है। यहां पे मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन 15-20 दिन ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, फिर के मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली होल सिटी में